कल आपका क्या है 29 जून, और कल से आपका 10+2 का जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर वे में, आपके सामने टाइम दिखाई दे रहा होगा। साथ में एक बात और जोड़ूंगा, ये जो क्लास है ना, बस 10+2 का टारगेट लेकर मत चलना, जो सीपीओ का नोटिफिकेशन निकला है ना वो सब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेनली मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट 1 और 2 साल में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, या वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, ये सीपीओ हो, या प्लस 10+2 हो। प्लस रेलवे वाले भी ये क्लास देखना, क्योंकि मैथ रीजनिंग जीके जो है वो सेम रहता है सिलेबस। और आज कवर करेंगे हम सभी 28 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है ना, वो आप हमारे एप्लीकेशन जो है सक्सेस की 98, इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। और साथ ही साथ 1 साल का पैकेज अगर वहां से बाई करते हैं, तो 1 साल तक आने वाले रेलवे, एसएससी और बैंक के हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी दे सकते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया का वह कंपनी है जो 11 ट्रिलियन रुपए मार्केट कैप हिट करने वाली पहली फर्म बन चुकी है। तो ऑप्शन तो दिया गया है 4, लेकिन फोटो देखते ही आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि भैया रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके मालिक जो है वो मुकेश अंबानी है। लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं सबको पीछे छोड़ते हुए, लास्ट 1 साल में ना अपनी कंपनी को बहुत ऊंचा लेकर गए, इनके अगल बगल भी कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने द वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन खिताब जीता है। यह जो टूर्नामेंट चल रहा था आपका द वर्ल्ड स्टार शारजहां ऑनलाइन कप, यह एक क्या था, यह एक चेस टूर्नामेंट था, शतरंज। यह खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है आपका, शेखरियार मामादिरो। ठीक है, आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा चेस के साथ ये हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने जिम्बाब्वे में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब है, इंडिया के तरफ से अगला दूत कौन होगा जिम्बाब्वे के लिए। आप सभी को पता है ना, इंडिया का दूत हर एक राष्ट्र में होता है, तो जिम्बाब्वे के लिए दूत किसे अपॉइंट किया गया है, उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है आपका विजय खंडूजा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो भी याद रखना, इमर्सन मनंगावा। ठीक, कैपिटल राजधानी क्या है, हरारे। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से किस कंपनी को मान्यता दी गई है, कौन कंपनी है, टेक महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, अगला प्रश्न हमारे सामने है, BMW सबसे महंगी गाड़ी, आपने देखा होगा ना BMW, इसके पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन थे, बहुत कीमती गाड़ी है, 40 लाख से नीचे तो गाड़ी आती ही नहीं है BMW की। BMW का अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, यह आप सभी को बताना है। तो BMW का जिसे प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, विक्रम पवा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे साथ, और एक बात, 10 मिनट का क्लास चलता है, और 10 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन करवा देते हैं ना, अगर डेली के क्लास को सुबह 4:30 बजे प्रॉपर वे में देखते हैं ना, कोई भी एग्जाम दो भाई, कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, या फिर आप बैंक का एक भी क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 90% से ज्यादा आप स्कोर कर कर आएंगे। लेकिन हाँ, 200-300
टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 300 क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होकर जाएंगे एग्जाम से पहले, डर करके इतना ही पढ़ लो हो जाएगा, तब तो कहीं ना कहीं अपने साथ ही कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, यानी आप जुआ खेल रहे हैं अपने साथ, उतने क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड होकर जा रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है बिना एक क्वेश्चन भी छोड़े हुए, ठीक। और आपको पता है डेली 10-10 मिनट कर एक महीने में 450 क्वेश्चन आप कवर करते हैं एटलीस्ट एक महीने का। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा के लिए निमंत्रण भेजकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, कौन से राज्य के हेल्थ मिनिस्टर को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व लोक सेवा दिवस के अवसर पर? तो केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका, के सैलाजा, याद रहिएगा ना बिल्कुल। आज का दो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन ये है, आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि केरला का, केरल का राज्यपाल कौन है, केरल का मुख्यमंत्री कौन है और केरल का राजधानी क्या है। यह तो पहला क्वेश्चन हुआ आपका केरल को लेकर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने खुशीनगर हवाई अड्डा जो था ना आपका, खुशीनगर एयरपोर्ट, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। किस हवाई अड्डे को? तो खुशीनगर हवाई अड्डे को। यह हवाई अड्डा जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका सी। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और राजधानी क्या है? तो वो है आपका लखनऊ, ठीक। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए योजना जो है वो किस राष्ट्र की है? तो यह योजना जो है ना हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने जा रहा है कौन? ईरान। ऑप्शन नंबर आपका डी। ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? हसन रोहानी। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? ईरानियन रियाल, रियल नॉट रियाल। यहां पर ना थोड़ा सा डाउट क्लियर रखना, रियाल और रियल में, यहां पर आर आई ए एल रियल बोल रहा हूं तो याद रखिएगा ईरान का मुद्रा है। अगर मान लो मैं रियाल बोलता तो आपके माइंड में किसका नाम आता? सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का मुद्रा क्या है? रियाल है, आर आई वाई ए एल। लेकिन यहां पर बोल रहा है ईरान का मुद्रा क्या है? ईरानियन रियल है, आर आई ए एल। यहीं पर बहुत जन को गलती होता है, कैपिटल तो कैपिटल बोलेंगे आप, थैरान है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगा कौन? यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री किसके द्वारा? हर्षवर्धन जी के द्वारा। यहां पर अमेरिका, चीन, जापान ट्रांसलेट गलती हुआ है, सॉरी इसको आप काट देना, ठीक। आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। और हाँ, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है ई ब्लड, यानी आप ऑनलाइन ना अपना ब्लड दे पाएंगे। क्यों भैया, क्यों देना पड़ने का क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि COVID-19 जो महामारी पैंडेमिक फैला हुआ है पूरे विश्व भर में, इसके लिए क्या होगा, जितने भी रोगी हैं उनको ब्लड की कमी हो जाती है, तो उनको ब्लड टाइम पर दिया जा सके, इसीलिए यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि आप अपना ब्लड जो है वो दे पाए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिका के अनुसार कौन सा राष्ट्र, कौन सा कंट्री आतंकी समूह के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है? आंख बंद कर आप सभी आंसर बोल देंगे, अमेरिका के द्वारा किसको चिन्हित किया गया है? पाकिस्तान को, जो आतंकवाद का पनाहगाह बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फीफा महिला विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा मतलब फुटबॉल, जो महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप होगा 2023 में, वो कौन सा राष्ट्र होस्ट करने वाला है, मेजबानी करने वाला है?
तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों, ऑप्शन नंबर आपका डी। और पहला प्रश्न ये निकल कर आ रहा है आप सभी का, दूसरा पहले सुन लो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम क्या? स्कॉट मॉरिसन। कैपिटल कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दूसरा क्वेश्चन आपका आज का यह है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम बहुत चर्चा में रहा है, उनके प्रधानमंत्री का नाम जो एक महिला है उनका नाम बताना है, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है यह बताना है, और राजधानी बताना है न्यूजीलैंड के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 28 जून का। इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो सर्च मारना सक्सेस की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। और एक बात, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मंडे को अगर कोई भी क्लास स्टार्ट होता है तो एक भी क्लास मिस ना हो और इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके फोन तक चल जाए। ठीक है ना? सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का हमेशा की तरह ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? चलिए।